वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और अब हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ निसरीन मामा जी जुड़ गई हैं। और इसी के साथ निसरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और दर्शकों के सवालों के जवाब आज हम देंगी आप हमारे साथ, और साथ ही लाइव दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे। तो विक्रम मेरे साथ शायद फ़ोन लाइन पर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। विक्रम, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, अपना सवाल आप हमें भेज रहे हैं, बताइए। मैडम, वैसे तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया है आपसे। जी जी। और मेरे को मैडम, जैसे अभी मेरा अमाउंट भी काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट होल्ड करते करते 23 लाख करीब हो गया है। तो okay. अभी मेरे को जो मेरे का जो क्वेरी है, तो पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था मेरे को, कि जो मेरी स्कीम जो जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो बराबर है कि नहीं, या उसमें कुछ चेंज करना है, या फिर दूसरा जो मैं और NPS वगैरह या फिर LIC में जो मेरा इन्वेस्टमेंट चालू है उसके ऊपर भी मेरे को थोड़ा सजेशन चाहिए। ये जीवन आनंद आप 2011 से कर रहे हैं? हाँ हाँ। ओके, और कितने साल तक आपको इस पोर्टफोलियो में रहना है? जीवन आनंद वाली में बात कर रहे हो खाली मैडम आप? नहीं 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 नहीं, मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर रही हूँ। कब तक आपको इसमें रहना है निवेशित? ये तो मैं मैडम अभी 10-15 साल के लिए कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना है? वैसे मेरा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी 2 CR मैंने पकड़ के चला है। चलिए ठीक है, निस्ट्रीन के पास में जाती हूँ। निस्ट्रीन, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटीज़ है, और क्वांट वैल्यू फंड भी इन्होंने शुरू किया हुआ है। SBI फोकस से SBI कॉन्ट्रा की इनकी STP चल रही है, और 2 करोड़ का लक्ष्य बोल रहे हैं 10 से 15 साल में। NPS और जीवन आनंद पर मैं बाद में जाऊँगी, लेकिन पहले इनके फंड्स पर थोड़ा सा आप रिव्यू अपना दे दीजिए कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, एक ही अगर हम कैटेगरी में देखें तो बहुत ज़्यादा है। That's absolutely right, कविता, diversification बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि आप कोटक स्मॉल कैप में आप कंटिन्यू कीजिए, SBI कॉन्ट्रा फंड इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, उसमें भी आप कंटिन्यू कीजिए, HDFC फ्लेक्सी ऑल्सो आई थिंक दैट यू शुड कंटिन्यू, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है उसको आप स्टॉप करके आप रीस्टार्ट करिए फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, जो स्लाइटली थेमेटिक है, एंड वो जो एब्सोल्यूट रिटर्न आपको देंगी विद अ 3 or 4 year व्यू, सो आप वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, जो लार्ज कैप फंड है उसकी परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू द अदर लार्ज कैप फंड्स, बट फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज में आप डेफिनेटली उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैनेडा रूबी को इमर्जिंग इक्विटीज ऑल्सो आप स्टॉप कीजिए, और इस अमाउंट को भी आप स्विच कर दीजिए टू फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, सो आपकी दोनों अमाउंट हो जाएगी 8,500 अप्रोक्सीमेटली, 8,000 rupees, 6,000 फ्रॉम फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एंड 2,000 फ्रॉम द कैनेडा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज। देन एज फार एज योर NPS इज कंसर्न, आपको 1,50,000 rupees मिलते हैं एवरी ईयर फॉर ATC बेनिफिट, सो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये NPS फिगर को एक अच्छा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दोज रिटर्न्स आर स्लाइटली हायर देन द NPS रिटर्न्स। एंड जीवन आनंद की जो आप क्वेरी थी, आप प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए अंटिल द एंड ऑफ द टर्म, एंड आपको जो whatever your maturity amount you will be eligible for. तो आप 70,000 rupees invest कर रहे हैं महीने? हाँ। मुझे LIC जीवन आनंद को ही के बारे में ही पूछना था। 2017 से तो खैर ये NPS में डाल रहे हैं, और LIC में ये डाल रहे हैं 2011 से, इसको क्या पेड अप कर देना चाहिए? ऑल्सो विक्रम, कितना है आपका सम अश्योर्ड इसमें? मैडम 3 lakh rupees है। 3 लाख है, 3 लाख के लिए निसरीन ये 15,500 rupees दे रहे हैं 2011 से, और कितना समय रह गया है इसमें विक्रम? हाँ विक्रम, 8 years और 8 साल रह गया है, तो निसरीन क्या पेड अप वगैरह करने की कोई गुंजाइश है इसमें?
इफ इट इज पॉसिबल, बिकॉज वी हैव टू सी के पेडा वैल्यू क्या है. इफ आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाती है और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कैपिटल अप्रिसिएशन के हैसियत से, तो इट इज एडवाइजेबल. पर मेरे हिसाब से आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा. जीवन आनंद इज प्रॉबेबली एन एंडाउमेंट पॉलिसी, तो आप बीच में स्टॉप करेंगे तो आपको आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट भी नहीं मिलेगा. इफ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रिंसिपल लॉस, देन ऑब्वियसली अगले 8 साल में आपकी जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है और जो रिटर्न्स पॉसिबिलिटी है म्यूचुअल फंड्स में, 100% इक्विटीज, डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड्स में, आपको डेफिनेटली रिटर्न ज्यादा मिल सकता है देन दी एंडाउमेंट प्लान विच इज जीवन आनंद. सो आपकी जो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, आपकी लॉस अवर्जन है या नहीं है, बिकॉज आपको प्रिंसिपल लॉस आप एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, ये आप सवाल अपने आप को पूछिए. और आपको लगे कि ठीक है, आज की तारीख में मैं ये लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं आगे की सोचूंगा, देन यस आई वुड अग्री कि आप ये स्टॉप कर दीजिए, पेड अप कर दीजिए, और आगे का 8 साल आप ये म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो आपकी रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस विल बी मच हायर. ऐसा अपने घाटे का आप आकलन कीजिए और उसके मुताबिक ही आप इसको पेड अप करने पर सोच विचार कीजिए, क्योंकि अगर यही पैसा आप म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को बढ़ाएं तो शायद जो बदलाव बताए हैं नसरीन को उसमें थोड़ा सा और राशि आप डाल दीजिए तो आप अपने कॉर्पस की ओर जो है वो बेहतर तरीके से और जल्दी पहुँच पाएंगे. बहरहाल धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए. राजेश्वर शर्मा है क्या मेरे साथ फोन लाइन पर? जी हाँ मैडम, मैं जुड़ा हुआ हूँ. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैडम दिल्ली से बात कर रहा हूँ. ओके शर्मा जी, आपने पराग पारेका, फ्लेक्सी कैप, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स, UTI निफ्टी, SBI का मिड कैप, मेरा एसेट का मिड कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप रखा है पोर्टफोलियो में. सर कब से, अभी अभी शुरू किया है क्या इन्वेस्टमेंट ये सारे स्मॉल कैप्स में? नहीं, डेढ़ से 2 साल हो गया शुरू किए हुए और अच्छा. अभी करीब 11.5-12 लाख का मेरा अभी कॉर्पस इसमें बन चुका है, 11 लाख के आसपास था. अच्छा, तो बहुत खुश हो गए होंगे आप तो कमाई देखकर स्मॉल कैप और मिड कैप में. कुछ 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 बीच बीच में हाँ? कम भी डाला है, बीच बीच में अच्छा, कम भी किया है. हाँ अभी अच्छा. मैं ये जानना चाहता था कि जो मेरा पोर्टफोलियो है इसमें मुझे हाँ? कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, पहली चीज. देखिए दूसरी आपने चीज, आपने तो लिखा हुआ है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आप बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और मेरे ख्याल से इसीलिए आपने स्मॉल कैप और मिड कैप जो है भर भर के अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं. हालांकि आपने उसको डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश की है लार्ज कैप पैसिव के जरिए, पर आपका मुझे समय जानना है कितने समय तक आप रहना चाहते हैं, क्या कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है. 15 साल का आपने समय दिया हुआ है शायद, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जो है आपकी. जी हाँ मैडम. और क्या कॉर्पस है आपका, कितना इकट्ठा करना है? मैं मैडम इसको 10% से स्टेप अप भी कर सकता हूँ हर साल, और जी करीब 1.5 करोड़ रुपए की मेरी रिक्वायरमेंट है, 1.5 से 2 करोड़। 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए, चलिए ठीक है. निसरीन अब देखिए, इन्होंने अग्रेसिव इन्वेस्टर लिखा तो है, यानी ये जोखिम अच्छा खासा ले सकते हैं, लेकिन क्या उसका मतलब ये हो जाता है कि ये तमाम तरह के स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में डाल लें या मिड कैप डाल लें? क्योंकि यहाँ पर शर्मा जी इकलौते ऐसे निवेशक नहीं है, बहुत सारे निवेशकों में भर भर के पोर्टफोलियो में उनके स्मॉल कैप और मिड कैप है, और तमाम तरह के निवेशकों के पोर्टफोलियो में बात यही निकल के आ रही है, सार यही है कि जो फिलहाल टॉप परफॉर्मिंग है स्मॉल कैप मिड कैप वो ही उनको दिखाई दे रहे हैं. तो ऐसे में अगर आप एक तो ज़्यादा झुकाव एक मार्केट कैप की ओर कर रहे हैं, उसमें भी आप उन्हीं फंड्स में कर रहे हैं जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो कमाई कहाँ से हो रही है? सो आई डेफिनेटली अग्री कविता कि उनकी जो पोर्टफोलियो है 60% अप्रोक्सीमेटली मिड एंड स्मॉल कैप्स में है. उनकी जो एसेट एलोकेशन है अबाउट 30% फ्लेक्सी कैप, 30% इन मिड, 30% इन स्मॉल, एंड 10% इज इन सेक्टोरल यू नो थेमेटिक काइंड ऑफ स्कीम्स. तो जो उनकी जो ओवर स्क्यूड है मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ से, तो वो आपको डेफिनेटली इन माइंड रखना चाहिए. बिकॉज फिलहाल जैसे अनाउंस भी किया है कि देर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉथ इन द सेल इन द मिड एंड द स्मॉल कैप सेगमेंट. वहां आप दो एटलीस्ट फंड्स, आप वन फंड इन द मिड कैप एंड वन फंड इन द स्मॉल कैप आप स्टॉप कीजिए और वो सब्स्टिट्यूट कीजिए लार्ज एंड मिड कैटेगरी या ओनली लार्ज कैप कैटेगरी. तो आपकी थोड़ी सी रीबैलेंसिंग हो जाएगी और आपका मेन एसेट एलोकेशन
एटलीस्ट 40 to 50% लार्ज या फ्लेक्सी कैब में जाना चाहिए फ्रेंकली। अभी आपकी एसेट एलोकेशन है 30% इन फ्लेक्सी, वो आप स्विच करके 50% इन लार्ज एंड मिड कैटेगरी में डालिए, और इट ओनली अबाउट 40% इन द मिड एंड स्मॉल कैटेगरी, एंड द बैलेंस्ड आप कुछ सेफ्टी के लिए बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में डाल सकते हो, जो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स में आपको इजीली लिक्विड सिचुएशन यू नो हो सके। सपोज आपको कुछ लिक्विडिटी की जरूरत पड़े और मार्केट जहां भी हो आप इजीली लिक्विडेट कर सके ये इन्वेस्टमेंट, तो आप डायनामिकली एसेट एलोकेशन फंड जो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसमें अबाउट 30 to 40% इक्विटीज हो, 20-25% आर्बिट्राज हो और बैलेंस बॉन्ड्स हो, वो आपको इंट्रोड्यूस डेफिनेटली करना चाहिए। फिलहाल आपके फंड्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप दो फंड्स को स्टॉप करके उसमें आप सब्स्टिट्यूट करें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव जो आपको करना है और स्टेप आप करना ही चाहते हैं अपने SIP को, तो उस इरादे को आपको जो है बरकरार रखना है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार रनिश्रीन के साथ सवाल जवाब का ये सिलसिला हमारा जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। निस्ट्रीन मामा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही जुड़ गए हैं हमारे अगले दर्शक नितिश कुमार। नमस्कार नितिश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। सर आपने कुछ फंड्स का पोर्टफोलियो हमें दिया हुआ है, जिसमें आपके पास निपॉन का स्मॉल कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, HDFC का स्मॉल कैप है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, SBI कॉन्ट्रा, क्वांट का एक्टिव, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है। 15 साल में 1 करोड़, 20 साल में 2 करोड़ का आपका लक्ष्य है। तो 20,000 की आपकी SIP फिलहाल चल रही है, कब से आपने शुरू किया है ये इन्वेस्टमेंट नितिश कुमार जी? लगभग 2 मंथ से है मैम। 2 महीनों से ही? अभी अभी शुरू? अच्छा, अभी अभी शुरू किया हूँ उसको। तो, हाँ, कोई आर्थिक सलाहकार से सलाह ली है क्या आपने? नहीं मैम, मैं आपके वीडियो को देखता था, तो फिर मेरे को लगा कि शायद इसमें फायदा है, तो मैं ट्राई किया हूँ। और इसके अलावे मेरा अच्छा। 11,000 का पर मंथ का LIC चल रहा है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए LIC की तो जानकारी आपने मुझे नहीं दी है, तो मैं वहाँ आपकी सहायता नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप शो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और नितिश जी ऐसे हो जाता है ना कि शो में आपने जो फंड्स के नाम देखे होंगे वो किसी और दर्शक के लिए हमने रेकमेंड किए होंगे, उनके सवाल के आधार पे उनको वो जवाब दिया गया होगा। मेरे ख्याल से आपने शायद वही शोज़ देख के वही फ़ंड्स जो रेकमेंड हुए हैं अपने भी पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं, इसीलिए फ़ंड्स तो सारे के सारे उम्दा हैं। देखिए उस बात में कोई शक नहीं है, नसरीन भी मानेंगी, लेकिन क्या सभी उम्दा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रखना सही है निसरीन? सो यस डेफिनेटली, कविता जी ने सही बोला कि आप थोड़ा यू नो सब फंड्स अच्छे चल रहे हैं, कुछ भी हम बताएंगे नहीं कि आपको स्विच करना चाहिए या स्टॉप करना चाहिए, बट जैसे आप नंबर ऑफ फंड्स जो है ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप कोई यू नो आप इंक्रीज करिए आपके SIP पर्टिकुलर फंड्स में। 5 सेक्टर्स या 5 फंड से ज्यादा आपकी पोर्टफोलियो नहीं होनी चाहिए। तो एक आप मिड कैप में रखिए, एक आप फ्लेक्सी कैप में रखिए, एक आप मल्टी कैप में रखिए, एक आप इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में रख सकते हो और एक आप कॉन्ट्रा फंड में रख सकते हो। उससे ज्यादा आप कैटेगराइजेशन ना करें, बिकॉज आगे बढ़ते आपकी पोर्टफोलियो स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी और आप कुछ इवेल्युएशन या कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका दूसरा सवाल था कि मैं 20,000 रुपीज SIP कर रहा हूँ और क्या मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, मेरी कॉर्पस क्या होगी। तो 15 साल के बाद आपकी कॉर्पस होगी 1.3 करोड़, और 20 साल के बाद आपकी कॉर्पस होगी अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़, इफ हम 16% कैलकुलेशन करें कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। सो दिस इज द यू नो फ्यूचर वैल्यू आपको कॉर्पस, आपको डेफिनेटली आपको आपकी ड्रीम्स आप मिल पाएंगे, आपकी गोल आप मिल पाएंगे, लेकिन ये जरूर रखिए आप एडवाइस के आपकी जो नंबर ऑफ फंड्स है आप रिड्यूस करें और ईच कैटेगरी में आप 20% ही रखें, तो 5 कैटेगरीज एंड 5 फंड्स वो आपको इजी पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए,
और मैनेजमेंट के लिए इन फ्यूचर। नितिश जी आगे बढ़ते हैं, दीप्ति जैन का सवाल मैं लूंगी और निश्री नाम के पास सवाल मौजूद होगा। 15 स्कीम्स में 15,000 की SIP चल रही है, हज़ार हज़ार रुपये की SIP इन्होंने बहुत सारे फंड्स में कर रखी है, तो मेरे ख्याल से दीप्ति को थोड़ा सा फ़ंड को फिल्टर करने की ज़रूरत है, तो बताएं कहाँ कैसे बदलाव करें, कहाँ निवेश रोकें, कहाँ जारी रखें। दीप्ति 15,000 आप डाल रही है तो वो विल बिकम वेरी लार्ज फॉर यू टू कीप अ ट्रैक, आपको मैनेजमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो आप जो 15,000 डाल रही है, मैक्सिमम आप 4 या 5 फंड में सिलेक्ट कीजिए, तो एक फंड में आपको 3,000 डालना चाहिए। तो जैसे मैंने अर्लियर व्यूअर को भी जो एडवाइस दी है वो सेम एडवाइस आपको भी जाहिर होती है कि आप 5 कैटेगरीज चूज कीजिए। एक आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चूज कीजिए जहाँ लार्ज एंड मिड कैप्स हैं, एक आप मल्टी कैप स्ट्रेटजीज चूज कीजिए जिसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों कैटेगरी होगी, और फंड मैनेजर डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस के एक्स्ट्रा अमाउंट किसमें डालना चाहिए, बिकॉज वी हैव 25% इन लार्ज, 25% इन मिड, 25% इन स्मॉल। द एक्स्ट्रा 25% ईदर लार्ज मिड और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, एंड एज ऑफ टुडे वी आर सीइंग दैट मिड एंड स्मॉल में फ्रॉथ है, जैसे बबल है, तो वो कैटेगरी हमें जरा सीरियसली इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। तो एक आप फ्लेक्सी कैप लीजिए, एक आप लार्ज एंड मिड कैटेगरी लीजिए, एक मल्टी कैप कैटेगरी लीजिए, एक आप मिड एंड स्मॉल एक ही कैटेगरी लीजिए, मिड या स्मॉल, और लास्ट कैटेगरी आप एक बैलेंस एडवांटेज या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी जरूर लाइए, या मल्टी एसेट जिसमें गोल्ड भी हो। मल्टी एसेट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, इसमें हम इक्विटीज होते हैं, गोल्ड होता है, बॉन्ड्स होते हैं, और कभी कभी इंटरनेशनल इक्विटीज भी मौजूद होते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज की फंड्स बनाई जाती है जहां आपको डेफिनेटली एक पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा, जो मार्केट साइकिल, जो इक्विटीज परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन ये आपके मल्टी एसेट फंड में बिकॉज गोल्ड एंड बॉन्ड्स भी होंगे तो आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। इस फंड में आपको कुछ अर्ली लिक्विडेट करना हो अर्लियर देन योर टाइम प्लान ऑफ 15-20 ईयर्स, जो भी हम लॉन्ग टर्म होराइजन सी करते हैं, लेकिन बीचों बीच 1 साल में 3 साल में 5 साल में हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, जो हम पहले प्लानिंग के टाइम पे हम फोकास्ट नहीं कर सकते। इस प्लानिंग के लिए आपको बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड बहुत काम में आएगा, तो वो उस फंड में एटलीस्ट 15-20% आप इन्वेस्ट कीजिए। तो प्लीज आप री एवेल्युएट करिए आपकी पूरी पोर्टफोलियो को, और एक एसेट एलोकेशन एक कैटेगरी में आप 3,000 रुपये से ज्यादा न बढ़े। ऑल्सो इफ पॉसिबल एवरी ईयर आप एक स्टेप अप कर सकते हो, जैसे 10% या 5% आप SIP बढ़ा सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो एन एडवाइस दैट आई गिव कि जो आपने शुरू किया है उसे आप न कंटिन्यू करें, एवरी ईयर स्मॉल अमाउंट 5%, 10% आप इंक्रीज भी कर सकते हो। ये आपकी सेविंग्स में आप थोड़ी इंक्रीज करो और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी आपको काफी इफेक्ट होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने सलाह दे दी दीप्ति को, और इसी के साथ आज का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। निस्रीन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और अपन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमेशा की तरह हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आप हमें देखते हैं, सवाल भेजते हैं, तो यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिएगा, आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं और आपकी कराते हैं लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।